हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। We were doing landscape of the soul. This is the second part of this lesson. First part में हमने दो concept पढ़े थे, एक था Asian concept और दूसरा था European concept. तो जो Asian concept था वो क्या था, वो अंदर की जो quality है उसको show कर रहा था कि जो कोई भी artist है वो उसके अंदर क्या है वो दिखा रहा था, जबकि European जो contest यूरोपियन जो आउटलुक था या जो आर्टिस्ट व्यू था वो क्या था, वो रियलिज्म पे डिपेंड था कि जो सच्चाई है जो आर्टिस्ट ड्रा करता है वही चीज़ हमने देखनी होती थी। इसमें आगे क्या बताया कि जो एशियन कॉन्सेप्ट ऑफ द आर्ट इज़ एक्सप्रेस्ड एज शैन शुई, जो एशियन कॉन्सेप्ट है ना उसको कैसे डिस्प्ले करता है, वो कैसे एक्सप्रेस करता है, शैन शुई, जिसका लिटरली मीन है वाटर, माउंटेन वाटर। ठीक है, एशियन कॉन्सेप्ट जो है, एशियन कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट जो है एक्सप्रेस करता है कैसे, शेंशुई। शेंशुई का मतलब क्या है, माउंटेन वाटर। इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप। ये जो है लैंडस्केप, लैंडस्केप होता है भूदृश्य, धरती का जो दृश्य होता है ना उसको लैंडस्केप बोलते हैं। तो ये लैंडस्केप को शो करता है। दे रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स विच रिफ्लेक्ट्स द दाओइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स। जो दाओइस्ट व्यू है उसको ये शो करता है। इसमें माउंटेन जो है, माउंटेन जो है इसका मीनिंग क्या है, तो माउंटेन इज यंग, माउंटेन इज यंग, रीचिंग वर्टिकल टूवर्ड्स हेवन। पहाड़ ऊंच होता है ना, माउंटेन ऊपर की तरफ वर्टिकल खड़ा होता है और वो हेवन की तरफ जो है वो जा रहा होता है, ऊपर की तरफ जा रहा होता है। ये क्या है, ये स्टेबल है, वार्म है, ड्राई है इन द सन, मजबूती का प्रतीक है। जबकि जो वाटर है, वाटर इज यिन, माउंटेन वाटर, माउंटेन का मतलब यंग, जो हेवन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जो मजबूत है, वार्म है, ड्राई है। दूसरा है यिन, यिन यानी वाटर। इट इज़ ऑन द अर्थ, ये धरती के ऊपर है, फ्लूइड फॉर्म में है, मोस्ट है, कूल है। यिन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमनी जो है यानी स्त्रीलिंग जो है उसको ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ऑफ द यूनिवर्स एनर्जी। और जबकि यंग है वो शो क्या करता है, एक्टिव एंड मैस्कुलिन एक्शन। जो शेंशुई है उसका मीनिंग है माउंटेन वाटर, माउंटेन का मतलब है यंग और वाटर का मतलब है यिन। यंग जो है यानी माउंटेन जो है वो मैस्कुलिन को शो करता है, पुरुष को शो करता है, जबकि यिन, यिन यानी वाटर, वाटर जो है वो किसको शो करता है, यिन वाटर स्त्रीलिंग को शो करता है। द इंटरसेक्शन ऑफ दीज, जो इनका इंटरसेक्शन है यानी इनका जो मिलना है, दीज टू इज द फंडामेंटल नोशन ऑफ दुज्म। जो दुज्म है ना उसका फंडामेंटल नोशन क्या है, इन दोनों का मिलना, इनका जो इंटरसेक्शन है। इसका एक तीसरा एलिमेंट भी है, इट इज मिडल वे। कौन सा है तीसरा, मिडल वे, वेयर इंटरसेक्शन टेक्स प्लेस। तीसरी जगह कौन सी है जहाँ पे जो दोनों मिलते हैं, जहाँ पे यंग और यिन दोनों जो मिलते हैं उसको इसने क्या कहा है, उसको कहा है मिडल वे। दिस इज लाइक प्राणायाम। ये कैसे है, ये एक प्राणायाम के जैसी ही है। जैसे प्राणायाम देखा हुआ ना, एक बार सांस अंदर एक बार सांस बाहर, प्राणायाम की तरह से है। वेयर द ब्रेथ इज सस्पेंडेड फॉर ए फ्यू सेकेंड्स बिटवीन इनहेल एंड एक्सहेल। जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उसके बीच का जो टाइम है, जब हम इसको सस्पेंड कर देते हैं, ना सांस लेते हैं और ना छोड़ते हैं, एक बार सांस ली फिर रोक ली, वो जो स्थिति है उसको इसने क्या कहा है, ये इसका तीसरा एलिमेंट है, मिडल वॉइड का नाम दिया इसने। जो मिडल वॉइड है इज इसेशनल एंड देयरफॉर द वाइट अनपेंटेड स्पेस
इज़ इम्पोर्टेंट इन चाइनीज़ आर्ट, और इसलिए जो चाइनीज़ आर्ट है उसमें ये जो अनपेंटेड जो स्पेस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल इन दिस मिडल स्पेस, ये जो मिडल स्पेस है यहाँ पे आदमी का एक फंडामेंटल रोल है, और ही इज़ लिंक बिटवीन हेवन एंड अर्थ, और ही आदमी जो है हेवन और अर्थ के बीच में एक लिंक का काम करता है। ठीक है, तो तीन चीज़ें बताई, शेंशुई, शेंशुई का लिटरली मीनिंग माउंटेन वाटर, माउंटेन का मतलब है यंग, और ये मेल एक्सेप्ट को जो शो करता है। दूसरा यिन है वाटर, ये फीमेल को एक्सेप्ट करता है, और जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं इंटरसेक्शन जो करते हैं वो इसने बहुत इंपॉर्टेंट बताया है, उसको इसने क्या नाम दिया है, मिडल वर्ड। ये एक प्राणायाम की तरह से है, जैसे हम सांस लेते और छोड़ते उसके बीच वाला जो भाग है उसको इसने क्या कहा है, मिडल वर्ड। इस लेसन का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड जो चैप्टर, इसको दूसरा जो भाग है उसमें क्या बताया, वो लिखा है बृंदा शूरी ने, इट इज अबाउट आउटसाइडर आर्ट। ये आउटसाइडर आर्ट के बारे में है, आर्ट वर्ड के बारे में है, या रा आर्ट के बारे में। रा आर्ट क्या है, जो कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रेनिंग लेते हैं पेंटिंग बनाने की, कोई भी काम करने की ट्रेनिंग लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग नहीं लेते, ऑटोमेटिक उनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है। तो इसने क्या बताया है इस चैप्टर में, सेकंड पार्ट में, ये किसके बारे में है, आउटसाइडर जो आर्ट है, आर्ट वर्ट या फिर जो रा आर्ट है उसके बारे में। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द आर्ट इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग इन आर्ट। ये कौन सी आर्ट है, ये वो आर्ट है, ये उस कॉन्सेप्ट को शो करता है जिसमें किसी व्यक्ति ने कोई फंडामेंटल या जो बेसिक जो फॉर्मल ट्रेनिंग है किसी भी आर्ट की वो नहीं ली है। अब कुछ बच्चे आपने देखे होंगे सिंगिंग करते हैं बहुत अच्छे, वो ट्रेनिंग नहीं ली लेकिन वैसे ही सिंगिंग करने स्टार्ट कर दी उन्होंने। कुछ बच्चे पेंटिंग करते हैं, उन्होंने बेसिक जो है वो ट्रेनिंग नहीं ली है लेकिन उसके बावजूद वो पेंटिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं। तो तीसरा जो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इस चीज़ को शो कर रहा है, इसको क्या कहा है इसने, आउटसाइडर आर्ट, आर्ट वर्ड या फिर रा आर्ट का इसने नाम दिया है। येट दे शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इन लाइट, ये इन्होंने हालांकि फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये अपना टैलेंट जो है शो करते हैं। देयर वर्क आर ए प्लीजिंग कॉन्ट्रास्ट टू ए लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम पेंटिंग, जो मेन स्ट्रीम पेंटिंग है जिन्होंने ट्रेनिंग लेके जो सीखा है कई बार ये क्या करता है उनकी तुलना में आके खड़े हो जाते हैं, यानी उनके इक्वल हो जाते हैं। फ्रॉम इट्स नॉट वेरी पॉपुलर बिगिनिंग, स्टार्टिंग में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, द कॉन्सेप्ट ऑफ द आउटसाइड आर्ट हैड ग्रेजुअली बिकेम फास्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन द कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट, और धीरे धीरे करके जो पहले स्टार्टिंग में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी इसकी, लेकिन धीरे धीरे करके ये जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है ये कला। द न्यूशन ऑफ आर्ट बर्ट या फिर रा आर्ट जो है इसको मोटेड बाय द फ्रेंच पेंटर जैन ड्यूबिफिट जैन जो है इसने इस आर्ट को स्टार्ट किया था। इट इज़ अबाउट वर्क, ये एक ऐसा काम है विच वर इन देयर रा स्टेट, जो रा स्टेट में है, कच्चे स्टेट में है, और एज रिगार्ड कल्चर एंड द आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस, इसके ऊपर जो आर्टिस्टिक जो इन्फ्लुएंस है या जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है बहुत कम प्रभाव डालता है। Anything and everything from a tin to a sink, एक टिन से लेके और जो सिंक है वो एक ब्रोकन कार, could be the material for the work of the art। इस आर्ट में ना आदमी जो है कोई भी चीज़ जो है, एक टिन का जो डिब्बा है, कोल्ड ड्रिंक आती है टिन के उसमें, उससे लेके एक सिंक और टूटी हुई जो कार है, कुछ भी जो आर्टिस्ट है वो इसमें यूज़ करता है और एक अच्छी डिस्प्ले कर सकता है। और इसका अगर हम बेस्ट एग्जांपल की बात करें ना तो रॉक गार्डन इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, कौन सी का, रा आर्ट का। ठीक है, रा आर्ट का जो बेस्ट एग्जांपल है वो रॉक गार्डन, सुना होगा आपने, क्रिएटेड बाय नेक चंद इन चंडीगढ़। जो नेक चंद है ना, इन्होंने चंडीगढ़ में एक बगीचा बनाया है जिसका नाम है रॉक गार्डन, और आज ये वर्ल्ड में फेमस है। ये कोई आर्टिस्ट नहीं है, कोई आर्टिस्ट नहीं था ये, लेकिन इसने जो बनाया, इसने एक जंगल को वैसे ही साफ़ कराया था, और किया आप अपनी मर्ज़ी से, यानी जो इसके सपने हैं उस तरह का एक
बगीचा बनाना चाह रहा था ये। तो इसमें क्या बताया कि जो नेकचंद ने जो रॉक गार्डन बनाया है ना, वो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। मैनी ईयर्स गो ही बिगेन क्लियरिंग ए लिटिल पिच ऑफ जंगल इन ऑर्डर टू ले गार्डन ऑफ हिज इमेजिनेशन। इसकी जो इमेजिनेशंस हैं, जो इसने कल्पना करी थी, उस तरह का ये कोई गार्डन बनाना चाहता था, और इसलिए इसने क्या किया, इसने एक जंगल का कुछ एरिया जो है वो साफ़ कर दिया। किसने? नेकचंद ने। इसने प्लानिंग नहीं कुछ करी थी कि मैंने कुछ ऐसा बनाना है जो वर्ल्ड में फेमस होगा। सिर्फ इसने सपना देखा है कि मैं एक ऐसा गार्डन बनाऊँ कि इस तरह का गार्डन होगा वो, और उसके लिए इसने जंगल साफ करा। एक गार्डन बनाया विद स्टोन, पत्थर, थ्रोन अवे थिंग्स, जो चीज़ें फेंक दी जाती है ना, हम ये सोचते हैं काम की चीज़ नहीं है, वो फेंक देते हैं वो चीज़ें एंड अदर थ्रेस, और जो बाकी जो कबाड़ा था पत्थर से, घर से फेंकी हुई जो चीज़ें हैं, वो सारा सामान इसने इकट्ठा किया और उसे एक गार्डन का रूप देना स्टार्ट कर दिया, मतलब बाग में लगाना शुरू कर दिया। नाउ हिज रॉक गार्डन इज वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। द 80 ईयर ओल्ड नेकचंद इज नाउ कंसिडर्ड इंडियाज बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू आउटसाइड आर्ट। और आज जो है 80 साल का आदमी, जब इसने गार्डन बनाना स्टार्ट किया था, आज ये माना जाता है कि जो आउटसाइड जो आर्ट है वो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इसने दिया है, यानी इसको सेट किया है, इतना ज़बरदस्त गार्डन बना दिया इसने। एक फेमस इंग्लिश मैगजीन फीचर्ड ए सेक्शन ऑफ द रॉक गार्डन ओवर ऑफ कवर ऑफ इट्स इशू। कोई मैगजीन थी और उन्होंने क्या किया, उस मैगजीन वाले ने अपना फ्रंट पेज पे जो कवर पेज होता है ना, उस पेज के ऊपर रॉक गार्डन की इमेज लगाई, फ्रंट पेज पे इसकी इमेज लगाई। बहुत बड़ी बात थी कि इंडिया की जो एक बगीचा बनाया था एक आदमी ने, नेकचंद ने, और उसको एक फेमस इंग्लिश मैगजीन है जिसने क्या किया, अपने कवर पेज पर लगाया। हिज वर्क हैज़ बीन रिकग्नाइज एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी ऑफ द डिफरेंस ए सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स इन ड्रीम। और ये इस आइडिया को सेट करता है कि एक सिंगल आदमी जब एक अलग तरीके के व्यू से वो जीता है, या अलग तरह के जब वो सपने लेता है, तो वो क्या कर सकता है। स्विस कमीशन यूनेस्को ऑनर्ड हिम बाई वे ऑफ यूरोप एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क। जो यूनेस्को है ना, उसने इसको अपने वंडर्स में ऐड कर लिया है। द 5 month शो विच बिगेन इन अक्टूबर 2005 वॉज हेल्ड एट द लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। और इस प्रकार से जो अनट्यूटर्ड है, यानी बगैर सिखाया हुआ जो जीनियस है, उसने क्रिएट किया है पैराडाइज। और इस प्रकार से एक आदमी जिसने आर्ट की बेसिक नॉलेज भी नहीं थी, जिसने कभी फंडामेंटल नॉलेज या फॉर्मल जो नॉलेज है, फॉर्मल जो ज्ञान है, वो उसने नहीं लिया, उसके बावजूद उसने क्या किया है, एक पैराडाइज धरती का जो स्वर्ग है वो तैयार कर दिया है। ठीक है, तो ये तीसरी आर्ट है, और कौन सी, अनट्रेंड जिसमें होते हैं, आउटसाइड आर्ट इसको नाम दिया जा सकता है। ठीक है, होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा, और आपके शायद एग्ज़ाम्स जो हैं 28-29 तारीख से स्टार्ट भी हो सकते हैं, तो सीरियसली इन चीज़ों को अच्छे से तैयार करेंगे, क्वेश्चन आंसर जो है वो करके देखेंगे। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन है एक बार वो करके देखो, कुछ डाउट है तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू।